दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जहां आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से डीएनए बिल्कुल मैच कर जाएगा, क्योंकि दोस्तों रणवीर का भी डीएनए मैच होता हुआ नजर आएगा और वहीं प्राची का, क्योंकि दोस्तों इस समय रणवीर को पूरा शक हो चुका है और रणवीर ने जिस तरीका से डॉक्टर से बात बोली है, डॉक्टर से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करी है कि आप मेरा एक बार डीएनए टेस्ट कर लें, क्योंकि दोस्तों उस रिपोर्ट से प्राची रणवीर पूरी तरीका से श्योर हो जाएंगे कि हाँ ये बच्ची कोई और नहीं है बल्कि ये बच्ची अपनी ही है। दोस्तों अब कहानी में असली टोस्टा तो हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि जैसे ही डीएनए रिपोर्ट की टेस्ट बिल्कुल सही आएगी, जिसके बाद में रिया की शादी रुक जाएगी रणवीर के साथ में और प्राची की शादी रुक जाएगी अक्षय के साथ में। आप लोग जानते ही हैं कि कहानी में वाकई में चार चांद लगते हुए तो अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं कि आखिरकार अगर रणवीर और प्राची का डीएनए खुशी से मैच किया तो इस शादी का तो दूर दूर तक भी किसी भी तरीका से कोई संबंध नहीं रहने वाला है, और वाकई में दोस्तों होगा भी बिल्कुल वैसा ही। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से कहानी में ट्विस्ट बदलेगा, जहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि अब एक नई गद्दार की एंट्री और होने जा रही है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ आलिया की एंट्री की। जी हाँ, जल्दी ही सीरियल के अंदर आलिया की एंट्री होने जा रही है, जिसके बाद में आलिया बोलती हुई नज़र आने वाली है कि तुम लोग ये मत सोचना कि मैं कहीं जा चुकी हूँ, बल्कि अभी मेरा आना तो बाकी है, जो कि मैं तुम लोगों की रातों की नींदें भी हराम कर दूंगी। और वाकई में दोस्तों ये एक रियलिटी है कि इस समय आलिया ऐसे ऐसे गेम खेलती हुई नज़र आने वाली है रणवीर प्राची के साथ में कि प्राची और रणवीर की रातों की नींदें भी हराम हो जाएंगी दोस्तों, क्योंकि उसका एक अलग ही मोटिवेशन रहा है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।